अब सारे कपड़े पता चलेंगे कि कौन से क्या क्या हमने मंगवाए थे, क्योंकि सब मिक्स हो गए थे। हाँ हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल वासिफ ज़ुफ़िशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं। तो आज है तारीख, पता नहीं क्या क्या है तारीख भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो आज है तारीख 28 और काफ़ी दिन पहले हम लोगों ने मायशा के कपड़ों के लिए एक वार्डरोब को ऑर्डर किया था, क्योंकि उनके कपड़े और उनके जितना भी सामान था वो हम अभी बाहर ही रख रहे थे टेबल पे। मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ हम लोगों ने सेट किया हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये सारा सामान रखा हुआ है और ये थोड़ा सा बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा है इस तरह से रखा हुआ, क्योंकि अगर इस बॉक्स में से कोई सामान चाहिए होता है तो ये सब सामान हटाना पड़ता है, तब जाके इस बॉक्स में से सामान निकलता है। तो ये चीज़ सही नहीं थी, हमें अजीबोगरीब लग रही थी। कुछ सामान मायशा का यहाँ रखा हुआ है चेयर पे, कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, तो अलग अलग जगह पर सामान रखा हुआ था, बिखरा हुआ था, तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो हमने वार्डरोब ऑर्डर करी थी तो वो आज फाइनली आ गई है और उसको थोड़ी देर में असेंबल करने के लिए आने वाले हैं। उसके बाद सारा सामान उसमें रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सी वार्डरोब हमने मंगाई है, कहाँ से मंगाई है वो भी बता देंगे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं शुरू और देखते हैं इस व्लॉग में क्या क्या होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार सा ये व्लॉग बनाने की है कोशिश, इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस व्लॉग को। तो जब तक वार्डरोब असेंबल हो रही है, हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फ्रेंच टोस्ट, और ये है पंजीरी जो हम लोगों ने बनाई थी, फ्राइड मखाने, मटरी, और साथ में है ये स्वीट वाले फ्रेंच टोस्ट जो मायरा को बहुत पसंद हैं, और ये तिल वाले पफ। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और दिखाते हैं आपको मायशा की वार्डरोब। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और आज मैं थोड़ा सा डल डल फील कर रही हूँ और आज मैं अपनी स्किन की थोड़ी सी पैम्परिंग करने वाली हूँ। तो कौन से प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो आपको दिखा देती हूँ। तो आज जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है बॉडी क्यूपिड विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश। तो चलिए सबसे पहले फेस वॉश कर लेते हैं। ये फेस वॉश फेस से पैचीनेस और डलनेस को रिमूव करने में मदद करता है। इसमें ऑस्ट्रेलियन काकाडो प्लम एक्सट्रैक्ट है जो कि विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होता है। विटामिन सी फेस के पिगमेंटेशन को फेड करने में मदद करता है। ये फेस वॉश स्किन में कोलेजन बूस्टिंग में भी हेल्प करता है और स्किन को नेचुरली ब्राइट करने में मदद करता है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और ये एंटी एजिंग स्किन केयर के लिए भी हेल्प करता है, और ये फेस वॉश डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फेस वॉश मैंने कर लिया है और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग मुझे फील हो रहा है। और फेस वॉश के बाद अब जो मैं प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ वो है बॉडी क्यूपिड विटामिन सी फेस पैक। तो इसको इस स्पैचुला के साथ मैं अप्लाई करूंगी। तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं। ये पैक हमारी स्किन को स्पा लेवल ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट देने में मदद करता है। इसमें है प्योर विटामिन सी और विटामिन सी से रिच काकाडो प्लम एक्सट्रैक्ट। विटामिन सी अंडर स्किन कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। ये स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद मलबरी एंड क्रेज एक्सट्रैक्ट एजिंग स्पॉट्स फेड करने में हेल्प करता है। तो फेस पैक मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इस पैक को 15 मिनट तक रखेंगे और 15 मिनट में ये खुशक हो जाएगा, उसके बाद वॉश करेंगे। और फेस पैक के बाद अब मैं यूज करूंगी बॉडी क्यूपिड विटामिन सी फेस सीरम। इस सीरम में ऑस्ट्रेलियन काकाडो प्लम एक्सट्रैक्ट है जो की विटामिन सी से भरपूर होता है, और हाइलुरोनिक एसिड है जो की हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है, और इसमें विटामिन B3 और E है जो हमारी स्किन टोन को और भी ज्यादा ब्राइटर करने में मदद करता है। इस सीरम की 5-6 बूंद लगा अपने फेस पर और फिंगर टिप्स की मदद से जेंटली मसाज करनी है। ये सीरम पिगमेंटेशन फेड करने के साथ साथ रेडियंट बूस्ट करने में भी मदद करता है। ये क्लीनर, यूथफुल और ब्राइट लुक देने में हेल्प करता है। और इन प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, जैसे कि नो पैराबेन, सिलिकॉन और सल्फेट। तो ये देखिए आ गया ना कितना अच्छा ग्लो मेरे फेस पे। तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं और परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं।
अलमारी आ चुकी है। कह रहे हम इसे मायशा की, मायशा और माहिरा दोनों की अलमारी है, क्योंकि ऊपर एक माहिरा की अलमारी है वो फुल हो चुकी है। तो कुछ कपड़े हमने इस अलमारी में माहिरा के रखते हैं जो आने जाने के हैं, तो दोनों बहनों के अब कपड़े इसमें आराम से सेट हो जाएंगे। चलिए अभी इसे खोल के दिखाते हैं। पहले ये इसका फ्रंट लुक है, ये दो ड्रॉर्स हैं और ये इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर एक ये लगा हुआ है पाइप, इसमें हम हैंगर में कपड़े लटका सकते हैं बेबी के, और नीचे भी रख सकते हैं तय करके। और यहाँ पर ये शेल्फ्स लगी हुई हैं, यहाँ पर भी कपड़े, डायपर, जितनी भी बच्चों की चीज़ें हैं सब, पाउडर वगैरह, पाउडर रख सकते हैं। इसे बंद कर दिया, और ये ड्रॉर में भी काफ़ी स्पेस है, अगर चाहें तो डायपर वगैरह वाली चीज़ें और बेबी बाथ का सामान सब इसमें रख सकते हैं, टॉवल वगैरह। और माहिरा कह रही हैं कि मैं अपनी इसमें बुक्स रखूंगी, तो अभी देखते हैं इसमें हम माहिरा की जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह हैं वो रख देंगे या बैग रख देंगे। बहुत ही प्यारी अलमारी है, और ये कहाँ से ली है, पेपर फ्राई से ली है। तो ये देखिए, ये जितने मेरे पास हैंगर हैं मैं हैंगर में लगा रही हूँ, पहने हुए कपड़े जो एक एक बार पहन चुकी हैं वो हैंगर में लगा कर यहाँ लगा देंगे। और बाकी एज इट इज ही रख देंगे। ये पहना हुआ नहीं है, ये 6 मंथ पे आएगा मायशा का, और ये माहिरा वाला है। ये एकदम छोटा सा, ये भी माहिरा वाला ही है, ये आपकी बार अब पहना देंगे, नीचे रखा हुआ था देखा ही नहीं। तो ये एक अभी अभी मिला मंगाए हुए, काफ़ी नीचे हो गया था ये। ये देखिए असल में क्या है ना, कपड़े अब ठीक से रखे जाएंगे तो सब देखेंगे। अब सारे कपड़े पता चलेंगे कि कौन से क्या क्या हमने मंगाए थे, क्योंकि सब मिक्स हो गए थे। इतना प्यारा सा लग रहा है, क्यूटी सा, बिल्कुल छोटू सा, प्यारा सा, और इसके साथ ये बैंड और पीछे नानी का दुपट्टा देखिए। और एक कंफ्यूजन ना हो उसके लिए भी एक हमने सोल्यूशन करा है, हर पैकेट पे साइज और उसका साइज और क्या है वो चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, जिससे कि पूरा निकाल के खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइज़ न्यूबॉर्न टॉप विद हेयर बैंड, लाइए माहिरा फरीद, दे दीजिए अब आप। ये सारा सामान है मेडिकल वाला, मेडिकल और हेल्थ वाला, ये सारा ड्रॉर में ही जाएगा। ये थर्मामीटर, और इससे मैं कंघा करूंगी नन्ने के। ओके, दवाई, और ये थोड़े से मोटे वाले हैं, ये विंटर में काम आएंगे, और इसमें सब सॉक्स और वो हैं, ये वाइपर्स हैं सारे। क्या दूं अब, दिखाना माओ एक बार। तो हम लोग सोच रहे हैं कि डायपर को पैकेट में से निकाल के रखें इस तरीके से, क्योंकि हम जब बाहर वाले कमरे में होते हैं तो माहिरा से भी मंगवा लेते हैं अंदर से डायपर, इसलिए खुले रखे होंगे तो इजीली ले आएंगी माहिरा। पर उस बच्चे की तरह मत करना, एक बच्चा सर पे भी डायपर, नीचे भी डायपर, बॉक्सिंग ग्लव्स बना लिए डायपर के हमने। ये सही है। I
तो थोड़ी सी हमने चेंजेस करे हैं, क्योंकि अंदर का कमरा इस अलमारी के बाद जो यहाँ पे टेबल रखी हुई थी उससे थोड़ा सा बिछा बिछा लग रहा था, तो हमने बाहर जो टेबल थी उसको अंदर शिफ्ट किया। टेबल नहीं, अलमारी, छोटी सी अलमारी। हाँ, अलमारी जो ये थी, और यहाँ की टेबल वहाँ शिफ्ट करी, क्योंकि उस टेबल की वजह से यहाँ तक वो टेबल आ रही थी यहाँ तक, तो ऐसे निकलने में थोड़ा सा दिक्कत लग रही, कोनी वोनी टकराने का डर था, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है। और एक बार बाहर का देखो आप, तो ये हमारा यहाँ पे सारा सामान ये इस तरीके से था पहले से, तो इसके टेबल के ऊपर ही आ गया। ये मायशा के सैनिटाइज़र हैं, कॉटन बर्ड्स हैं, और ये सारा हमारा प्रमोशन का कोलैबोरेशन का सामान वो सब यहाँ पे आ चुका है। ये हमारी टेबल एज इट इज़ है ही, और जो हुआ है वो ये अंदर वाली टेबल को बाहर हमने शिफ्ट किया और ये ऐसे सॉर्ट कर दिया। ये अब बहुत खुला खुला भी लग रहा है। और ये हमारी अलमारी नई वाली, और ये हमारा ये वाला पोर्च। रेडी? फिर सॉन्ग तो याद है, चलो शुरू कर दिया। ठीक है, हेलो टीचर्स, माय नेम इज मायरा फरीद, आई एम स्टार्टिंग केजीए। ये सॉन्ग मैं अंबिका मैम के लिए सुनाने वाली हूँ। थैंक यू टीचर, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू टीचर, थैंक यू टीचर, आई लव यू, आई लव यू। यू आर सो नाइस, यू आर सो काइंड, यस यू आर द बेस्ट, यस यू आर द बेस्ट। हैप्पी टीचर डे। तो वेलकम बैक अगेन दोस्तों। तो ये है नेक्स्ट डे। कल के दिन पे बहुत काम था, मायरा की वार्डरोब आई थी, मायशा की वार्डरोब आई थी, तो उसको सारा सेट करने में दिन निकल गया। तो ये नेक्स्ट डे है, और आज है संडे, और आज के दिन हमारी अम्मी जी जा रही हैं अपने घर, क्योंकि रूफी का जो 1.5 मंथ, डेढ़ सवा महीना कंप्लीट हो गया है, तो अब वो अपने घर जा रही हैं, और अब पता नहीं कब आएंगी। तो इसी खुशी में यहाँ छोटी सी पार्टी चल रही है, ढोकला पार्टी। तो उन्होंने कहा था कि ढोकला खाने का मन कर रहा है, तो ढोकला मंगाया था, ढोकला और समोसा पार्टी चल रही है। मेरा क्या है ये? ढोकला। यहाँ पे हमारा ननू छो रहा है। ये आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा, तोहफा खुशी में दिया जा रहा है। कोई खुशी नहीं है, ये हमारी तरफ से है। आप हमारे साथ दिन के लिए रहने आई हुई थी, तो आप जा रही हैं, तो कुछ तो बनता है ना। थैंक यू। देखिए खोल के, अब आप खोल लीजिए, अगर आप खोलना चाहती हैं तो खोल लीजिए। तुम क्यों घुस रही हो? क्योंकि पैक करने का मुझे टाइम नहीं मिला, हमें वो कागज वो भी नहीं था। नहीं, वैसे भी तुम लोगों ने क्या क्या करा है ये तो पता नहीं चल रहा है, काफी सारी चीजें वो कर देने लगता है। हमारा नानू छो रहा है। ये आंटी कौन बनी आने लगी है अभी बॉक्स के ऊपर? लगी।
मतलब दिमाग में एकदम आइडिया आ गया बस ऐसे ही खुशी से वो करा करो, खुशी से रहो वो करो, जरूरी नहीं है बेटा पैसे खर्च करने। तो जी अब 10 बज रहे हैं, हमने खाना वाना खा लिया है और आज अम्मी जी जा रही हैं घर। मन नहीं कर रहा उनको भेजने का वैसे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जाओ लो, रो लो, रो लो, गले मिलके रो लो, आ जाओ। अल्लाह ने साथ खैरियत से रब्बुल आलमीन ने निमटवाया, सबसे अच्छी बात है। मेरे पाप परवरदिगार ने सब काम हो गया सही अल्लाह के शुक्र से। रोना आ जाएगा मुझे तो, मैं रोने की बात नहीं है बेटा, करा करो माशाल्लाह कितना अच्छा है तुम्हारा साथी, कितना बढ़िया है, सबसे अच्छी बात अकेले अकेले दौड़ाना हर मामलों के लिए, हर काम के लिए, हर उलझन, सारी टेंशन आप पे ही है, इसलिए बांधना पड़ेगा ये हाँ जी। तो दोस्तों फाइनली अम्मी हमारी घर जा चुकी हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मूड थोड़ा सा ऑफ ऑफ सा लग रहा है। अब इसमें ना कुछ समझदार लोग होंगे, बहुत सारे समझदार लोग होंगे, वो ये कहेंगे आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कितना दूर रहती हैं आपकी अम्मी, यहीं पास ही में तो रहती हैं, इतना भी पास में नहीं रहती कि यहाँ से कदम उठाओ तो पहुँच जाओ। हाँ दूर है, डिस्टेंस 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ऐसे आना जाना ये नहीं है कि हर वक्त ही होता रहता है। तो आज फाइनली वो चली गई, क्योंकि ज़ूफ़ी का जो सवा महीना था वो कंप्लीट हो गया था, यानी कल कंप्लीट हुआ था, कल नहीं परसों कंप्लीट हुआ था। तो क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा है नहीं हमें इस सिचुएशन में हमारे साथ रहने वाला, तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, इसके लिए हम उनके जितने भी शुक्रगुजार रहें उतना कम है कि कोई नहीं करता, इतना कोई नहीं करता, किसी बेटी के घर वाले इतना नहीं करते हैं जितना सीरियसली ज़ूफ़ी के घर वाले ज़ूफ़ी के लिए, मेरे लिए और माहिरा के लिए और अब मायशा के लिए कर रहे हैं। इस साइड से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हूँ, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि भैया, क्योंकि मुझे है कि भाई अम्मी तो आ ही जाएंगी, अम्मी का सपोर्ट है और वो तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। पहली डिलीवरी पर भी ज़ूफ़ी की वही आई थी, उन्होंने ही सारा किया था, और मायशा के टाइम पर भी अब वही आई, उन्होंने ही सारा देखा ज़ूफ़ी। तो बस यही था आप लोगों के साथ शेयर करना था, बताना था, दिखाना था। तो चलिए फिर दोस्तों इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन दबा दो, कोई कंजूसी नहीं है उसमें, फ्री है, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अभी कर देना और देर मत करना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बख़ैर, और बाय बाय करेंगे हम आप चारों चारों चारों।
आ जाओ नन्नू कहाँ है? वो रहा, दिख रहा है? हाँ नन्नू, वो रहा नन्नू। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।